सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश व्लॉग के साथ। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 7:45 और देख लो पूरा रेडी। पता है क्यों हो गया हूँ? क्योंकि पहले तो जा रहा हूँ स्कूल और स्कूल से सीधा जाऊँगा। आज मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, चलो बता देता हूँ। पापा सही नहीं लग रहा क्या? मैं कटवाया इसको, अच्छा कटवा दी पड़ी होगी। तो पापा भी बोल रहे, मम्मी पापा मतलब दो चार दिन से बोल ही रहे सभी कि बोले आप थोड़ा सा क्लीन शेव करवा ले। मैंने आज तक लाइफ में कभी क्लीन शेव रखा ही नहीं है, सच में नहीं रखा। करवा लो फिर, पक्का करा लो। अच्छा अच्छा नहीं लगा तो ट्राई कर लेते हैं ना। चलो पापा ने बोल दिया तो ट्राई करके देखते कैसा क्या लगता हूँ। और सीधा चलते हैं अपन पहले स्कूल और स्कूल से चलेंगे सैलून 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 सैलून। न्यू लुक देख के बस थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, अगर बुरा लोगो तो भी अच्छे कर देना, ठीक है। हेलमेट लगा लेता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। A few moments later. तो फाइनली स्कूल से मैं सैलून तो आ गया हूँ। और लास्ट टाइम देख लो मेरा ये हुलिया, मेरी ये शक्ल, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। अभी तो हैंडसम लग रहा हूँ, बात का कुछ पता नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं भी। जैसा भी रहता है अच्छा ही है, कमेंट कर देना बस कमेंट। सच में मैं सोच के आया हूँ क्लीन शेव की, अच्छा लगूंगा, ट्राई तो करे यार। चश्मा तो उठा देता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अब बड़ा बड़ा लगता है यार, ऐसे बड़े क्या बात है, ऐसे हैंडसम लग रहा हूँ यार। ऐसे रख लूँ क्या? वैसे सही लग रहा है क्या आपको? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं आप बताओ, अच्छा लग रहा है? बाल भी कटा दूँ? जीरो कर रहा है, बच्चा अच्छा, मैं बच्चा हूँ यार अभी यार। पूरा लुक चेंज हो गया ना यार, लग कैसा रहा हूँ पहले तो ये बता दो। अब मेरे को पता बुरा ही बोलोगे सब। तो यार फर्स्ट टाइम कराया तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा है बाहर निकलने में, पर मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ। हो मैं घर पे आया तो पता है मैं आते ही ऐसे कर रहा हूँ ब्लॉग स्टार्ट होती कि पहले सेट हो जाऊँ। भाई कितना अजीब सा लग रहा हूँ ना, आपको कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है यार। अब बताओ, और हंसे जैसे मेरी मम्मी हंस रही है यार। ऐसे छोटा सा मुंह लग रहा है तेरा, बच्चा लग रहा हूँ ना? हाँ। लग रहा हूँ बच्चा? बहुत बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, जैसे कोई 16 साल का बच्चा। हाँ तो 20 साल का ही तो, 20 साल के हिसाब से तो लग ही रहा हूँ ना। और देखो कमेंट कर दो कि मैंने ये डिसीजन सही लिया या फिर नहीं लेना चाहिए था। और जो जो ये व्लॉग देखते ही, मतलब मेरा ये लुक देखते ही जिनका जो रिएक्शन था ना, कई लोग शॉक्ड हुए होंगे, कई हंसे होंगे, या कई कई गर्ल्स को क्यूट लग रहा होगा। क्यूट तो किसी को नहीं लग रहा होगा यार, पर हाँ जिसको जो जैसा लग रहा हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी बता देना, फिर नेक्स्ट टाइम से करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा कुछ सोचेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। अब मैं ना दीपांशु के घर पे आया हूँ, मतलब मुझे छोटा सा काम था तो मैंने सोचा कि भाई का रिएक्शन चेक कर लेते कि कैसा रिएक्शन होता है मेरे नया लुक देख के उसका। अब जो भी है न्यू लुक पे थोड़ा सा तो शॉक्ड होगा क्योंकि उससे पता है मैं कभी करा ही नहीं सकता, लेकिन मैंने उससे पूछा था कि करवा लूँ क्या भाई, तो साफ मना कर दिया था उसने। अब एक मास्क लगा लेता हूँ, बोले पापा ने मना कर दिया, घर पे मत बुलाना किसी को। लोगों को बुलाने मना करा। देख
देख अच्छा लग रहा खा मेरी कसम अच्छा लग रहा हूँ तो छोटा ही तो यार अब लग रही ना रियल एज लग रही है 19-20 साल का है झूठ मत बोले सबको अच्छा लग रहा लगता है मतलब रॉयल लगता है लेकिन अब जनरल लग रहा हूँ ना केलो बोड़ा बोड़ा कटिंग करा के नहीं आया क्या स्कूल वाला बच्चा लग रहा हूँ सच में चल कोई ना भाई कोई ना क्या कर रहा था चलो पहले तो देखो ये इग्नोर कर देना 2-3 दिन क्योंकि अभी थोड़ा अजीब सा लगूंगा पर मैं दीपांशु के घर पे आया हूँ और मुझे पता भी नहीं था सच में लिटरली मुझे अब जाके पता चला है कि मेरी पीठ पीछे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं बड़े होने तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए मेरे पीठ पीछे सोने का कैमरा लिया है भाई कांग्रेचुलेशंस ब्रदर कांग्रेचुलेशंस पार्टी दो अनबॉक्सिंग मैं करूंगा मेरे पहले नहीं इसने कर ली लेकिन मेरे शुभ हाथों से आज से आपको बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा वही था क्या बात है देखो चार्जर वार्जर तो मैं देखूंगा नहीं डायरेक्ट सेक्सी मैन क्या बोलते हो गाइज ब्लॉगिंग ऐसा कर लूँ क्या स्टैंड लगा के ऐसे ब्लॉगिंग करूँ सो हे यूट्यूब फैमिली स्वागत है आप सभी का सोनी के कैमरे के साथ आयुष शर्मा ब्लॉग्स पर कितना शानदार ब्लॉग बने ना डीआरएक्स पूरा बहुत चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना डीआरएक्स को कमेंट बॉक्स में और चैनल सब्सक्राइब कर लूँगा कर लो चलो बढ़िया है ना अभी आगे बात करते हैं अभी इसको मैं देख लूँ चेक कर लूँ ठीक है बहुत पैसा है बहुत यार दो पैसा थैंक यू ब्रो देखो वीडियो भी एडिट में कराने आया और एडिट भी उसने किया पैसे मेरे को मिल रहे पता है क्यों बोल दूँ क्या बोल दूँ मेरे गाइस को बोल उधार ले रहा हूँ मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं भाई नंबर आ जाएंगे नंबर वायरल हो जाएंगे देखो कितने पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मुझे कैश दे के फोन पे ले रहा है वरना हर बार मैं फोन पे देता हूँ वो मैं फोन पे लेता हूँ सर पे बंदूक रख के पैसे लेके जा रहा हूँ ओके जस्ट गेट लॉस यार आप लोग हंस तो नहीं रहे ना कहीं हंस रहे हो पता है मैं दीपांशु के घर से जस्ट घर पे आया था थोड़ी देर पहले लेकिन पापा आ चुके थे तब तक पर मैंने पापा का रिएक्शन शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था पर सच में पूछ ही लेते पापा से आप कैसा लग रहा हूँ बढ़िया सुबह से सुबह सुबह पापा से पूछ के गया था कि क्या करवाऊँ मतलब कैसे लगेगा अब जाके खुश हो गए खुश हो ना अब जैसे थोड़े दिन मतलब 2-3 महीने तो यही लुक रखूँगा फिर कुछ नया ट्राई कर लेंगे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बाकी मिलते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ लोकेशंस के साथ जयपुर की काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है अभी तो और एक स्पेशल ब्लॉग भी आने वाला है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा बाकी मिलते हैं ऐसे ब्लॉग्स के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग बाय बाय